और दीपा शादी करके आखिर होता भी क्या है? ये बात तुमसे अच्छा कौन जानता है? फिर भी मुझे ये बच्चा चाहिए, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना। बच्चे की ज्यादा जिम्मेदारी माँ पर होती है, और अगर ये जिम्मेदारी तुम उठा सकती हो तो क्यों नहीं? अच्छा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसे मत मारिए, प्लीज उसे मत मारिए। आज जल्दी जाना है कोर्ट। नीरजा से कह देना कि वो नीरजा तो आज कॉलेज नहीं जा रही है, वो अस्पताल गई है। अस्पताल? हाँ, वो कह रही थी किसी दोस्त की तबीयत खराब है। अरे आप नाश्ता तो करते जाइए। नहीं, देर हो जाएगी। जीजा जी। कहाँ नीरजा, कहाँ? अंदर। How is she feeling? इस वक्त तो शायद उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा। ऑपरेशन से पहले शायद उसे बेहोश कर दिया होगा इन लोगों ने। लेकिन ये सब अचानक कैसे? कल रात को फोन किया था नीरजा ने, कहा हॉस्पिटल जा रही हूँ, सुबह आ जा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसे कैसे मनाता। मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन ये किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं था। इट जस्ट वाज़न्ट पॉसिबल। शायद वो भी जानती है ये। वो शायद ये सब करके आपको सिर्फ इतना बताना चाहती है कि आपका प्यार अब उसके लिए जिंदगी बन चुका है। जानता हूँ मैं श्रुति, मुझे पता है, और मैंने भी जितना उसे चाहा है उतना कभी किसी और को नहीं चाहा। वो तो दुआओं का जवाब बन के आई है मेरी जिंदगी में। वो है तभी तो लगता है कि मेरी जिंदगी के कुछ मायने हैं। और हेलो, हाँ बोलो सुनील। नहीं मैं नहीं आ सकता हूं, मैं अभी कहीं और फंसा हूं। हाँ हाँ जरूरी है, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूं भाई, तब तक तुम देख लो ना। हाँ अगर आपको जाना है तो मैं हूं यहां, कोई जरूरी काम है तो कर लीजिए, फिर वापस आ जाइएगा। आप अकेली बैठेंगी यहाँ? तो क्या हो गया, वैसे भी अब कॉलेज तो नहीं जा सकती। ठीक है, तो 10 बजा है, मैं 1 बजे तक लौटता हूँ। लगता है तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन शायद अगर किसी की बात मानी जानी है तो तुम्हारे हस्बैंड की। द सेम ओल्ड स्टोरी। पर आज की तारीख में ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों खुश रहो। तुमने कभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना है? कोई औरत होती है जिसे बच्चा हो सकता है लेकिन वो करती नहीं है या करना नहीं चाहती है, और कोई औरत ऐसी होती है जो मां बनना चाहती है लेकिन बन नहीं सकती। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दोनों के लिए काम करता है। तुम अगर अपने इस बच्चे को उस औरत को देना चाहो तो वो भी खुश होगी और तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में आ सकेगा। बोलो, करना चाहोगी? मुझे करना क्या होगा? अपने हस्बैंड से बात करो, बोलो कि अगर आपको इस बच्चे की जरूरत नहीं है तो ये बच्चा हम किसी दूसरे को दे देंगे। वो इस बात के लिए भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे हस्बैंड नहीं है। ना डालना है? 1 चम्मच। दीपा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है।
सतीश मुझे हातिम ताई कहता है। हातिम ताई? हाँ, जो घर में कुछ भी ना हो तो भी पकवान बना सकती है। दीपा, हम पिछले 3 दिनों से मिल रहे हैं और पता नहीं क्यों लगातार एक ही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? यही कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें अलग होना पड़ा। दीपा, तुम सतीश की बातें करती हो तो ऐसा लगता है कि उस आदमी की बातें कर रही हो जो कहीं चला गया है, जिससे तुम बेहद प्यार करती हो। मैं नफरत करती हूँ उस आदमी से। दीपा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसकी एक जरा सी गलती ने तुम्हारे अंदर नफरत भर दी है? उसने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। वो तुम्हें ढूंढने बंबई आया था लेकिन तुमसे मिले बगैर ही चला गया और वापस इंदौर जाकर मुझसे बोल दिया कि तुम्हें तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं। कितना बड़ा झूठ बोला उसने, और सिर्फ इसलिए कि मैं उसे शादी कर लूं। दीपा, ये बात सच है कि सतीश मुझे नहीं मिला था, पर कभी कभी सोचता हूं कि अगर सतीश मुझे मिल भी गया होता तो क्या हमारी जिंदगियां अलग अलग सी होती? उसने तुम्हें धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, जानबूझकर झूठ बोलकर कहीं अनजाने में उसने सच तो नहीं कह दिया दीपा? हाँ दीपा, पिछले 5 सालों की जिंदगी को जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो एक ही सवाल मेरे दिमाग में उठता है कि अगर सतीश मुझे वाकई में मिला होता तो मैं उसे क्या कहता? यही कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर भरकर मैं जिसे इंदौर छोड़ आया हूं वो मेरे लिए कितनी अहम है, जबकि सच्चाई तो यह है कि उस समय मेरे लिए मेरा करियर और मेरे सपनों से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। हाँ, वो बात दूसरी है कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन दीपा ये बात भी सच है कि सिर्फ मांग में भरा सिंदूर मुझे वापस इंदौर खींच कर नहीं ला सकता था। हाँ, शायद मैं सतीश से ये नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, पर यह बात भी सच है कि मैं इंदौर वापस लौट कर नहीं आता। फिर शायद तुम उसी के साथ शादी करती। वही एक इंसान है जो तुम्हें वाकई प्यार करता है। उसने तुमसे झूठ कहा क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और मुझे उसने धोखा इसलिए दिया क्योंकि वो तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता था, जबकि जबकि मैं तुम्हारे बगैर जीने की कोशिश कर रहा था, और मैं जिया भी हूं। पिछले 5 साल मैं तुम्हारे बगैर जिया भी हूं। दीपा, तुम सतीश के बगैर जी नहीं सकती। ये झूठ है। नहीं दीपा, यही सच है। पिछले 3 दिनों में हमने इतने घंटे साथ बिताए लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं थी। सतीश की बातें, उसी का रोना, वो तुम्हारी जिंदगी का केंद्र बनकर तुम्हें खींच रहा है। मत भागो दीपा, उससे मत भागो। मैं जानती हूं कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब? तुम्हें डर है कि कहीं मैं सतीश से अलग होकर फिर से तुम्हारी जिंदगी में ना आ जाऊं। दीपा, अगर मुझे डर होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहां पहुंचता? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है, मेरे साथ घूमना पसंद है। तुम्हें मैं कहा था ना कि तुम आजाद पंछी हो, किसी के साथ बन के नहीं रह सकते। 5 साल पहले मेरी जिम्मेदारी से भागे थे, आज फिर भागना चाहते हो। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, पसंद है, लेकिन तुम मेरे साथ हो कहाँ? मैं सतीश की बात नहीं करूंगी। कोशिश करके, मन से तो नहीं ना? दीपा, समझने की कोशिश करो। पिछले 5 सालों में तुमने, सतीश ने और मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है। तुम और मैं इतने पास पास नहीं है जितना तुम्हें लगता है। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ठीक है, मुझसे शादी करो। तुम ही कहती हो ना कि अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता हूं, करो मुझसे शादी। लेकिन हाँ, हमारी शादी में सतीश कहीं नहीं होना चाहिए। जो भी बोले हर बात के नोट्स बना लेता। राइट सर। कोई चीज ये सोच के मत छोड़ना कि बात में दम नहीं है, ठीक है? ना, सही। चलो फिर, मैं तुमको बाद में मिलता हूँ। शर्मा जी, आप जा रहे हैं? जी हाँ, मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन शर्मा जी, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट पेशी है, और कम से कम आज के दिन तो आपको रहना चाहिए। देखिए, आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए प्लीज। क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है मैं जानता हूँ, आप मत कीजिए ना फिकर। आप जानते हैं मैं कभी कोई केस हारा नहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी ये है,
देख लेगा। बाय। आपके शर्मा जी का ध्यान आजकल काम पर नहीं है, कहीं और है। डोंट वरी सर, मैं हूँ ना, आइए मेरे साथ। अरे आपका क्या कर रहा हूँ, लाखों की फीस मैं उनके लिए दे रहा हूँ, आपके लिए नहीं। हाँ तो केस भी आपका वही लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ, आइए। पेशी के दिन तो रहना चाहिए। अभी पेशी में छोड़ गए ना। आज एबॉर्शन हुआ है मेरी मिसेज का। हर नेम प्लीज। बोलिए। वर्मानी, मिसेज वर्मानी। वो तो चली गई। कहाँ चली गई? ऑफ कोर्स अपने घर ही गई होंगी। हेलो, सुनो, मुझे नीरजा से कुछ जरूरी पूछना है। नहीं, हाँ हाँ हाँ, सॉरी मैं भूल गया, तुमने बताया था अस्पताल गई है। ठीक है, वो आए तो उसे फोन करवाना। तो फिर से अनुराग के पास जा रही है? क्या होगा तेरे जैसे इमोशनल लड़की का, कभी तो किसी से मांग में सिंदूर भरवा दी और किसी और से शादी कर दी है, और फिर उसे छोड़कर तुम दोबारा उसी आदमी के पास जाना चाहती हो जो खुद ये कहता हो कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं सतीश से उबल नहीं सकती। 5 साल तक सतीश के साथ क्या धैर्य, उसके सिवाय कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में। मैं बस उसे बता देना चाहती हूँ कि दीपा कोई कमजोर लड़की नहीं। तू सिर्फ ये बताने के लिए उसके पास जा रही है? हाँ। और उसके बाद? उसके बाद क्या? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि तू घर वापस आएगी या नहीं। वापस नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? वही तो मैं पूछ रही हूँ। जब एक औरत अपने दिल का हाल बताने के लिए बाहर जाती है, इतनी बेचैन सी, इतनी परेशान सी, तो एक बार पूछ लेना चाहिए कि वो घर वापस आएगी या नहीं। नीरजा आए कि नहीं? वो तो लौट कर चली भी गई। चली गई? तुमने बताया नहीं उसे मैंने फोन किया था। हाँ बोला था, उसने कहा वो बाद में कर लेगी। कहाँ गई है? वो सतीश के घर गई है। सतीश के घर? हाँ बोल रही थी कि। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। हेलो नीरजा, मुझे तुमसे। क्लाइंट ने भिजवाए नीरजा के लिए। आइए ना जी। जी एक्चुअली आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ा केस जीता और क्लाइंट को इतना काम पसंद आया नीरजा का कि उसने फूल भिजवाए नीरजा के लिए। कहाँ नीरजा? अंदर है, कह रहे थे कुछ तबीयत खराब है उसकी। यहां क्या कर रहे हो तुम दोनों? जानते ना आपको जीजा जी, कितनी जिद्दी है ये लड़की। घर लौटी तो बोलने लगी कि भैया कुछ दिन जाके आपके यहां पे रहते हैं, एग्जाम्स है, सारा सामान उसका यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ, वहां चलो ना तुम लोग। वही मैंने उसको बोला, लेकिन कहने लगी कि नहीं यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी, मुझे भी आना पड़ा उसके साथ यहाँ पे। मैं देखता हूं। नीरजा,
क्या बात है, ऐसे चले क्यों आई वहां से? हाँ भैया, आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए, कल से तो मैं बना लूंगी। अरे तुम पढ़ाई करोगी या खाना बनाओगी? तुम चलो वहां, यहाँ पर ऐसे कैसे? मैं ज्यादा कुछ तो खाऊंगी नहीं, एक आध रोटी और कुछ सब्जी बस। ये फूल हैं, मतलब ये फूल उस क्लाइंट ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए, जो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये फूल ले जाकर उसके मुंह पर मारिएगा और कहिएगा मुझे उसकी सूरत भी पसंद नहीं। कम ऑन नीजा, ऐसा भी क्या गुस्सा है? देखो फूल भिजवाए हैं उसने, अब उसे माफ कर दो। माफ करने लायक नहीं है वो। भैया आप खाना मंगवाएंगे या फिर मैं? ओके फाइन, कुछ मंगाते हैं। ये जी आप कुछ खाएंगे क्या? नहीं अब मैं। हाँ एक काम क्यों नहीं करते सतीश, तुम गाड़ी ले जाओ मेरी और थर्ड क्रॉस लेन में पिज्जा मिलता है, लेके आओ, पिज्जा खाते हैं आज। मुझे पिज्जा पसंद नहीं है भैया, आप फोन करके कुछ मंगवा लीजिए ना घर पे। अरे जीजा जी कह रहे हैं तो ठीक है ना, तुझे सब्जी रोटी खानी है ना, मैं लेता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अंदर जा रही हूँ। जी आप बैठिए, मैं लाता हूँ। हाँ ठीक है। हाय सतीश, अंदर आ सकता हूँ मैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही जीजा जी हैं, द फेमस ललित शर्मा। आई एम अनुराग, हाय। हम दोनों की मुलाकात तो कभी नहीं हुई, पर आप तो हमारे कॉलेज के हीरो हैं, हर कोई आपके बारे में ही बातें करता है। और जीजा जी, फ्रेंकली स्पीकिंग, अच्छा है आप यहां आज मौजूद हैं, क्योंकि अगर सतीश ने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर मुझे आप जैसे वकील की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर सतीश मिश्रा, कानून पढ़ाता हूं इसलिए जानता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि शादी के बाद पत्नी की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जिम्मेदारी पति की हो जाती है। क्यों जीजा जी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? और अगर यह साबित हो जाए कि ये सारी जिम्मेदारियां पति ठीक तरह से नहीं निभा पा रहा है तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है। फॉर गॉड सेक अनुराग, फॉर गॉड सेक, और कितना तंग करोगे तुम मुझे? सतीश अपने जुर्म की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। जुर्म? कौन सा जुर्म? वो वादे जो तुमने उस लड़की के साथ साथ फेरे लेते वक्त किए थे कि मैं हमेशा तुम्हें सुखी रखूंगा, जिंदगी भर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या हुआ उन वादों का सतीश? अब ये कौन सा नया मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी पत्नी की पैरवी कर रहा हूं मैं, उस पत्नी की जिसने तुम्हारे साथ सपने देखे, एक सुखी परिवार के सपने, जिन सपनों को पूरा करने के लिए वो पिछले 5 सालों से रात दिन खड़ती रही है। वो पत्नी जिसने तुम्हें बार बार माफ किया, चाहे तुम सूखी हुई भिंडियां लाते रहे या कीड़े वाली गोभियां ही क्यों ना लाते रहे। वो पत्नी जो तुम जैसे बेवकूफ के साथ प्यार करती रही, चाहे तुम 1,000 का हार उसके लिए 11,000 में ही क्यों ना खरीद कर लाए हो। और बदले में तुमने उसे दिया क्या? एक पुराना दोस्त उसकी जिंदगी में आ जाता है और तुम उस पर शक करने लगते हो, उसके साथ इतना लड़ते हो, इतना झगड़ते हो कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो घर छोड़कर चली जाती है और तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं आता कि उसे घर वापस लाया जाए। प्लीज डोंट जोक विद मी, ओके? सतीश शट अप, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने नहीं देखा है। अरे इतना प्यार करते हो उसे तो माफी मांग लेने से छोटे बन जाओगे क्या? किससे माफी मांगू मैं? हाँ किससे माफी मांगू, किससे माफी मांगू मैं? माफी मांगने के लिए उसे मेरे सामने तो आना चाहिए। सतीश बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा तो उसकी तरफ अपनी पीठ करके खड़ा रहेगा तो वो तेरे सामने कैसे आएगी? अरे देखता क्या है, जब गई थी तब रोता था और अब आ गई है तो सही कह रहे थे, एकदम बेवकूफों से मन खड़ा है। एकदम निखट्टू है ये, चलो हम ही चलते हैं इसके पास। अब दीदी पहले सॉरी बोलने दो। I'm sorry. दीपा मैंने तुम्हें नहीं सतीश को सॉरी बोलने के लिए कहा है। मैं जानती हूँ ये सूखी हुई भिंडिया और कीड़े वाली गोभी लाने के बाद भी सॉरी नहीं बोलता। भाई सतीश देखो, 5 साल पहले मैंने दीपा का हाथ तुम्हारे हाथ दिया था ये बोल के कि इसका ख्याल रखना, खूब ख्याल रखा तुमने। हाँ
आज फिर से यही हाथ मैं तुम्हारे हाथ दे रहा हूँ, लेकिन इस बार सतीश कोई लफड़ा हुआ ना तो कसम से इतना मारूंगा तुझे, मैं इतना मारूंगा कि सूखी भिंडियां और कीड़े वाली गोभी लाना भूल जाएगा। हाँ भाई, विदाई का माहौल तो तैयार हो गया है, पर ना तो साला उस समय हमें मिठाई खाने के लिए मिली थी और ना ही आज हमसे कोई पूछ रहा है। अरे मिठाई मैं भैया, अब मिठाई आ जाती है, जरा सांस ले बैठे, बहुत रोना धोना हुआ है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। भाभी इनके ऐसी एक तस्वीर खींचनी चाहिए, है ना। अरे नीचा, वो तेरे पास कैमरा है ना, वो जल्दी से लेके आना, जल्दी लेके आना, अभी लाएगी। आज ये दोनों आए मेरे पास, दो मिनट के लिए मेरा तो दिल ही बैठ गया था, मुझे लगा कि आप दोनों बोलेंगे कि हम दोनों ने, पर मुझे क्या पता था आज का दिन इतना अच्छा निकलेगा। आ दे दे। तो आप खींचेंगे? हाँ लाओ खींच लेते। चलिए भाई, फाइल चीज ये बात। जी जी, एक मैं फैमिली फोटोग्राफ ले। हाँ चलो। अरे आइए, पहले पता होता तो मैं बच्चों को बुला लेती। एक काम करते, उधर बैठते, आ आ नीचे। ये कुर्सी पर आप इधर बैठिए, आप तुम दोनों पीछे खड़े हो। हाँ नीचे आ जाओ, आ जाओ इधर बैठ। हाँ भैया सब तैयार? हाँ। ओके स्माइल चीज। एक मिनट, मैं भाभी के पास। ऑल सेट? ओके स्माइल चीज। थैंक यू।